हेलो एवरीवन, रितु इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के चीले। ये चीले हेल्दी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। आप इन चीलों को सुबह या शाम के नाश्ते में बना सकते हो। तो शुरू करते हैं बेसन का चीला बनाना। बेसन का चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। आधा टमाटर बारीक कटा हुआ डालूंगी। आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगी। एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। बेसन में मैं थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी। आधा चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। एक चम्मच ऑयल डालूंगी। अब हम इन सबको मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे, जिसमें लम्स नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन का घोल बनकर तैयार है। हमें बेसन को इतना ही पतला रखना है। बेसन का चीला बनाने के लिए गैस पर मैंने एक तवा रखा है। अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल को हमने तवे पर फैला लिया है। अब मैं तवे पर एक दो चम्मच बेसन का घोल डालूंगी। बेसन को मैं गोल गोल फैला लूंगी। गैस को मैं मीडियम टू लो रखूंगी। अब मैं चीले के ऊपर एक चम्मच ऑयल डालूंगी। चीला एक साइड से सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे। अब मैं चीले के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। चीले को हमने अलट पलट कर दोनों साइड से सेक लिया है। अब हम चीले को प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए कितना यम्मी टेस्टी चीला बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको दूसरा चीला बनाकर दिखाती हूँ। बेसन का चीला बनाना बहुत आसान है। आप इस चीले को आसानी से अपने बच्चों के लिए बना सकते हो। तवे पर मैं ऑयल डालूंगी। अब बेसन का घोल डालूंगी। इसको फैला देंगे। ऊपर से एक चम्मच ऑयल डाल दूंगी। चीले को हम पलट देंगे। चीले के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देंगे। चीले को मैं अलट पलट कर सेक लूंगी। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे चीले बना लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हो। हमारा चीला बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा चीला बना है। हमारे बेसन के चीले बनकर तैयार है। आप इन चीलों को सुबह या शाम के नाश्ते में बना सकते हो। आप इन चीलों को हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। यह चीला बहुत ही हेल्दी होता है। आप बेसन के चीले ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।